फल न दरख के डाले को लगता है ना इसके मज़बूत तन्ने को फल लरजती हुई आजिसी शाख पर लगता है बाज़ात इंसान को मशक्क़्त की बजाय अकल से काम लेना पड़ता है अगर आप ज़िंदगी के पुराने इसबाक दोहराते रहे तो नए बाप के आगाज़ से कासिर रहेंगे सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं जब इंसान को ज़िंदगी की ज़्यादातर नाकामियों का एहसास होता है तो इसे पता चलता है कि वो कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब था जब इसने अपना पैर पीछे खींच लिया या अल्लाह हमारे मोबाइल फ़ोन की हिफाजत फरमाए इसे दुश्मन की बुरी नज़र से बचा हम सब इसी से तमाम रिश्ते निभा रहे हैं अगर इसे कुछ हो गया तो हकूक लबाद कैसे अदा होंगे लोगों के अच्छे इंसान बनने के इंतज़ार में आप ख़ुद को एक अच्छा इंसान बनाने का मौका ज़ाया कर सकते हैं बेहुदा सवाल और घटिया मजाक अहमकों की तफरी और जाहिलों का हुनर है इंसान भी अजीब है दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है जिसको तुम परेशानी समझ रहे हो, हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज हो जब हज़रत अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि यह नए सफ़र का आगाज़ है पैगम्बरी का सफ़र बादशाहत का सफ़र जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरे दौर का आगाज़ होता है जब किसी इंसान का जनाज़ा निकलता है तो लोग दुखी होते हैं लेकिन जब किसी की इज़्ज़त का जनाजा निकलता है तो लोग हंसते हैं हालात कैसे भी हो, कुछ भी हो मायूस तो कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कुफ़र है अपने माशरे में नज़रें दौड़ाएं कितने मायूस रहने वाले नागुफ्त हालात के हामिल लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं बेशक अल्लाह ही मददगार और कारसाज़ है घर बड़ा हो या छोटा मिठास ना हो तो इंसान तो दूर की बात चूंटियाँ भी नहीं आती कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि ख़ुद को बदल लेना बेहतर होता है परिंदों की आवाज सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है आप एक पौधा लगा लें। बुरी आदत की ताकत का अंदाजा तब होता है जब उन्हें छोड़ने की कोशिश की जाती है जब आप गलत चीजों का पीछा करना छोड़ देते हैं तो सही चीजें आपकी गिरफ्त में आती हैं खुशियां तब आती हैं जब हम अपने हुनर को किसी बामानी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं रेगिस्तान को जो चीज़ सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है वो ये है कि इसके दामन में कहीं ना कहीं एक चश्मा जरूर छुपा हुआ होता है हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है तुम्हारी तकलीफ इसलिए ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि तुमने अपनी उंगली उस दरवाज़े में फंसाई हुई है जिसका दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर रखा हुआ है और तुम उसकी मसलहतों को आज तक नहीं समझ सके क्योंकि वो तुम्हें दर्द नहीं दे रहा बल्कि दर्द से बचा रहा है जब रसी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है अपना फ़ायदा सोचे बिना सब के साथ अच्छा करो क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं इनके हाथ में खुशबू रह जाती है दिल एक ऐसा आईना है कि अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें सब कुछ नज़र आ सकता है एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे। लिबास बहुत कीमती पहन कर बाजार में अकड़ अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि इसी बाजार में इनका कफन भी मौजूद है परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है बेहतरीन आंख वो है जो हकीकत का सामना करे दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी असलाह करना और आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है नफरत दिल का पागलपन है इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है हजरत अली रज़ी अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुँह के बल ही गिरोगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़